हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। चित्रकूट जिले के राजौला स्टेट की रानी रेमा श्रीवास्तव ने ली सपा की सदस्यता। स्टार होटल चित्रकूट में लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व्यास जी गोंड की उपस्थिति में ली समाजवादी पार्टी की सदस्यता। सोमवार को सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व मंत्री जूही सिंह चित्रकूट में एक जनसभा को करेंगी संबोधित। रानी साहिबा रेमा श्रीवास्तव ने चित्रकूट वासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर सपा नेत्री जूही सिंह के विचारों को सुनने की अपील की है। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता व पूर्व राज्य मंत्री जूही सिंह का 2 दिवसीय चित्रकूट दौरा पर पहुंचेंगी। धर्मनगरी प्रतिक्रिया किया। दौरे के दिन सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से होंगी रूबरू। 12 बजे जनपद के सीतापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दादा जो बिल्कुल झोपड़ी में रह रहे थे उनको भी वो याद था कि अखिलेश यादव को हम नोटिस दे देंगे क्योंकि उन्होंने हमको ढील कर दिया था। समाजवादी पार्टी सीधा साधा चुनाव लड़ती है। कोरोना काल में हम सबने किसी को खोया है। सरकार की दुर्व्यवस्था रही है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, उत्तर प्रदेश की आय घट गई है। एक भी सड़क अगर इन्होंने बनाई हो तो बता दें, एक भी ईंट अगर रखी हो तो बता दें, इसी स्थानीय क्षेत्र में बता दें। यही मुद्दे हैं क्योंकि हम काम पर चुनाव लड़ते हैं और काम पर ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही मुद्दा। अच्छा, एक खेल चला आ रहा है, जैसे आपने पिछली बार अखिलेश सरकार ने राशन बांटा था तो तमाम भाजपा के लोग और तमाम जो सरकारें थी वो आरोप लगा रही थी कि कॉपी पेस्ट चल रहा है। झोले में जो तस्वीर थी, अब वही तस्वीरें जो है भाजपा लगा के दे रही है झोले में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? राशन हमने बांटा था, उसमें घी था, मक्खन, दाल, चावल, हम चीनी समाजवादी पार्टी राशन पैकेट के नाम से बांटा था। भारतीय जनता पार्टी या तो आधा किलो चावल या आधा किलो गेहूं दे रही है, उसमें ना तेल है ना मसाला है, तो महिलाएं कैसे पकाएं और ये क्या खाएं? ये मुझे लगता है मुख्यमंत्री का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें निर्देश जारी कर देना चाहिए कि हम क्या करें। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ भी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी जो है वो काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है और आधा किलो चावल और आधा किलो गेहूं बांट रही है, जिससे ना जनता संतुष्ट है ना महिलाएं संतुष्ट है। और मुख्यमंत्री ये सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या वो जनता को रिलीफ पहुंचा रहे हैं, तो इससे यही होगा कि उनकी कलाई खुल जाएगी।